नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। विमानन कंपनियों को राहत देने की तैयारी। भोपाल इंदौर में विमान ईंधन पर वैट 25 से घटाकर 4% करने का प्रस्ताव। डेंगू का डंग, ग्वालियर में 18 बच्चों सहित 37 डेंगू पॉजिटिव, संख्या 2152 हुई। दूसरी डोज नहीं लगाने पर अब सख्ती। रतलाम में बिना सर्टिफिकेट सेव नहीं मिलेगी। इंदौर के बगीचों में टहलने, उज्जैन में होटलों में रुकने पर रोक। मध्य प्रदेश में सबसे कम प्रदूषण वाले शहरों में सागर शामिल। शहर का AQI 80 क्योंकि वाहनों से कम निकल रही जहरीली गैस तो धूल भी कम उड़ रही। अमेजॉन से गांजे की होम डिलीवरी। तस्करों के खुलासे के बाद ई कॉमर्स कंपनी संदेह के घेरे में। मध्य प्रदेश पहुंचे सचिन तेंदुलकर। देवास पहुंचे, सीहोर के सिवनिया गांव भी जाएंगे। सरकनपुर में माता के दर्शन भी कर सकते हैं। अस्पताल प्रशासन की सख्ती। चरक अस्पताल में अब बगैर ठोस आधार के गर्भवती को रेफर नहीं कर सकेंगे। ग्वालियर स्मार्ट सिटी निगम ने ABD एरिया में पानी की लाइन और टंकी बनाने के एवज में स्मार्ट सिटी से मांगे 25.15 करोड़। स्मार्ट सिटी की तैयारी। इंक्यूबेशन सेंटर की बिल्डिंग में धूप से अधिकांश समय रहेगी रोशनी। लगातार दूसरे दिन प्रदेश में सबसे ठंडा रहा ग्वालियर। पारा 8.8 डिग्री पर आया। 20 के बाद छा सकता है घना कोहरा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।